लेकर मैं हूं आपके साथ मदीहा आबिद अली। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं थर्ड बटालियन लिखा है, ये यादगार शहदा है और इस जगह की अपनी एक तारीखी अहमियत है। मेरे बाएं जानेब और दाएं जानेब आप देख सकते हैं ये मुसल्ला फौज जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारी जानों की हिफाजत करते हैं। सबसे पहले बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं बताऊंगी इस जगह की अहमियत क्या है। 1965 साल था और आज ही का दिन था जब दुश्मन ने ये आधा कर लिया था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि लाहौर के माल रोड पर बैठकर वो चाय पिएगा और इस ब्रिज को, ये जो बाटापुर का ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के लिए सिर्फ 6 गज की दूरी पर मौजूद था। तो हमारी पाक फौज ने हमारी जानों को महफूज करने के लिए ये इरादा किया कि इस ब्रिज को उड़ा दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से फजाई जो के हमारे भाई हैं फजाई फौज के, उनकी मदद से ये ब्रिज उड़ाया गया था और दुश्मन को यहाँ तक महदूद किया गया था ताकि वो लाहौर की हदूद तक ना पहुँच सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे हमारे साथ आज योम शोहदा मनाने के लिए, योम दिफा मनाने के लिए फैमिलीज भी मौजूद हैं, उन लोगों की फैमिलीज जिसने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, और वो लोग भी मौजूद हैं जो के अपने गानों से लहू गरमाते हैं ना सिर्फ कौम का बल्कि हमारे इन फौजी भाइयों का जो के हमारी हिफाजत करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और इन लोगों से आपको मिलवाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी के कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए और गुलपाशी करने के लिए उनकी यादगार शहदा पर। इस वक्त हमारे साथ मेजर सज्जाद हैदर शहीद के लाहिकीन मौजूद हैं, उनकी फैमिली मौजूद है जिन्हें सितारे बसालत से नवाजा गया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनके दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद और वालिदा भी हमारे साथ मौजूद थी लेकिन तबीयत नासाजी की वजह से वो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ नहीं आ सके। हमारे नुमाइंदे सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है और नाज़रीन ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक यूनाइटेड मुल्क है, यहाँ पर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अकलियत भी एक जा होकर रहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से बनता है। हमें कुछ बताइए उस अजीम शख्स के बारे में जो हमारे अंदर, हमारे दरमियान तो नहीं है लेकिन उनकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर सज्जाद हैदर शहीद के बारे में मैं सिर्फ मुख्तसर सा बताना चाहता हूँ कि मेजर सज्जाद हैदर शहीद बचपन से ही बड़े हुब्बुल वतन शहरी उस वक्त थे और बचपन से ही झंडियाँ घर में लगानी और फ्लैग्स अपने घर पे सजाना और मुकाबला करना अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले की छतों के साथ कि सबसे खूबसूरत छत मेरी लगे, और हम सबको वो इसी तरह हमारे अटैच कर देते थे कि आप झंडियों को लगाएं और सेलिब्रेशन मिलके करते हैं। जब शहादत का मैं आपको मुख्तसर सा बता दूं कि डेरा बुट्टी में जब वो अपॉइंट हुए 2009 और उनकी शहादत 5 फेब में हुई 2009 में, तो उन्होंने 3 ऑपरेशन किए। जो पहले 2 ऑपरेशन किए तो उन्होंने 200 टेररिस्ट विद वेपन पकड़े और पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इनामात भी दिए गए, उनकी यूनिट को भी इनामात दिए गए। ये तीसरा ऑपरेशन था कि डेरा बुट्टी में उनके नाम से टेररिस्ट कामते थे कि मेजर सज्जाद की पोस्टिंग जब तक यहाँ है अपनी मूवमेंट को हम कम रखें, और मुझे फ़ख्र है कि मैं आज उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मेरे भाई ने इस वतन की खातर शहादत दी है। आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया जब इतने लोगों को मैं देखता हूँ कि वो हमारी इतने पुरजोश तरीके से मुझे वेलकम कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत से यहाँ बुलाया है, इतनी इज़्ज़त देने के लिए सब लोग मौजूद हैं और मेरे हौसले और बुलंद हो गए हैं। हमारी जितने भी हमारे इस फैमिली में जितने और लोग हैं, हम इसी पाकिस्तान के लिए सर्व करते रहेंगे और इसी धरती की खातिर हम मरते रहेंगे। यही जज्बा है नाज़रीन। एक तो
अलल ऐलान वॉर की जाती है, जंग की जाती है, जिसमें हमें मालूम होता है कि हमारा दुश्मन कौन है। लेकिन एक जंग ऐसी होती है जिसमें दुश्मन साइलेंट होता है, हमें मालूम नहीं होता कि हमारे सामने वाला हमारा सज्जन है या हमारा दुश्मन। ऐसा ही सज्जाद साहब, शहीद सज्जाद साहब ने फेस किया ऐसी सिचुएशन, जहां उनको मालूम नहीं था कि जहां उनकी पोस्टिंग है वहां दहशतगर्द कौन है, जो पाकिस्तान के लिए नापाक अजाइम रखता है या फिर ये हुब्बुल वतन है। इतनी कॉम्प्लिकेशन थी उनके अंदर। और ये वो दौर था जब कुलभूषण यादव वहां पे तैनात था और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने का वहां पर नापाक इरादा रखता था। ऐसे में आपके भाई ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम होने से बचाया। बेशक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम न्यूज़ चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ साथ जितने भी शहदा हैं उनको याद रखा, बल्कि सिर्फ याद ही नहीं, हमें इस तरह से सपोर्ट किया कि हमारा दिल चाहता है कि हमारी आने वाली नस्लों में भी इसी तरह के बच्चे पैदा हों और उनमें शहदा पैदा हों, और हमारा अपना सीना फटने को तैयार है कि हम कुछ कर सकें, कुछ कर गुजरें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। और सबसे बड़ी निशानी तो ये कि जब मेजर सज्जाद हैदर शहीद हुए तो उसे अगले ही दिन, उनके स्वयं के दिन से उनके बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन लिया और दहशतगर्दों के चेहरों पे तमाचा मारते हुए ये बताया कि ये शहादतों का सिलसिला रुकने वाला नहीं, तुमने अगर हमें डराने के लिए ये कोशिश की है तो ये नाकाम कोशिश है, तुम एक सज्जाद को मारोगे तो तीन और सज्जाद आगे खड़े हैं उनके बेटों की सूरत में। और ये जो डेरा बुक्ति का साइलेंट ऑपरेशन, दो ऑपरेशन बड़े कामयाब ऑपरेशन किए मेजर सज्जाद हैदर शहीद ने, और ऐसे एक्यूरेट ऑपरेशन किए कि इसके अंदर किसी भी इनोसेंट पीपल को कोई नुकसान नहीं हुआ, और इसके जो इनामात इनकी वजह से पूरी यूनिट को मिले, और वो भी तीसरे ऑपरेशन के बाद जो मिलना था, मतलब उसी दौरान दूसरे के जो इनामात थे पूरी यूनिट को इनकी शहादत के बाद रिसीव हुए, और हमें उस वक्त पता लगा कि पहले दो ऑपरेशन बड़े कामयाब गुजरे और उसके अंदर जो है वो पूरी यूनिट को इनाम मिला। और फिर मेजर सज्जाद हैदर जब ये तीसरा साइलेंट ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे तो इनके साथ जवान थे, इन्होंने क्योंकि जवानों के ट्रक में ज़्यादा लोग थे उनको पीछे रखा, ट्रैकर वाली गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रखी सिर्फ एक ड्राइवर के साथ, और जब ट्रैकर वाली गाड़ी से थोड़ा सा आगे पीछे दाएँ बाएँ होने से बस कुदरत की तरफ से हुआ कि गाड़ी माइन के ऊपर से गुजरी तो मेजर सज्जाद हैदर शहीद तकरीबन 10 फीट की बुलंदी तक ऊपर गए और ड्राइवर भी गया है, और इन्होंने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने ड्राइवर को भी बाहर धकेला है और ख़ुद भी जंप किया है, और जंप करने से के बाद तकरीबन काफ़ी देर वो सर्वाइव करते रहे हैं, हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल लेके जाते रहे हैं, और उनके पास से वो दुआएं जो अबू ने उन्हें लिख कर दी थी वो उसके ऊपर खून के निशान जैसे अंगूठे से पकड़ा हुआ होता है वो वाली दुआएं इस तरह हमें रिसीव हुई कि पता लग रहा है कि ब्लड के लगा हुआ था और ये दुआ पढ़ रहे थे। और दूसरी तरफ उनका ड्राइवर 3 दिन तक बेहोश रहा, वो होश में आया तो उसने हमें बताया कि मेजर साहब ने मुझे भी धक्का दिया और ख़ुद भी जंप किया है, और ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, दरमियान में उनकी शहादत हो गई जो कि एक बुलंद मर्तबा है। आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक शहीद का भाई हूँ, और मैं ख्वाहिश जाहिर करूँगा कि मेरे भी अगर बच्चे आगे आएँ या मुझे अगर वतन के लिए अपनी जान माल कुछ भी दाव पर लगाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मेजर साहब के जो 3 भाई हैं उनसे अभी मैंने मुलाकात की है और उनसे मालूम पड़ा है कि उनके आगे 3 और नन्हे सिपाही वो छोड़ के गए हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं इतना प्रोटेक्टेड इस वक्त फील कर रही हूँ कि 3 लोग तो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और घर में नन्हे नौजवान भी मौजूद हैं जो कि हमारे फ्यूचर में हमें प्रोटेक्ट करेंगे। सरफराज, आँखें नम हो जाती हैं इस तरह की, जिससे उन्होंने बताया है कि 10 फुट ऊपर गाड़ी गई और फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को बचाया, और फिर वो जो दुआएँ उनके फादर ने लिख के दी थी वो उनके हाथ में थी और उसके ऊपर खून के निशान थे। आई कैन कंट्रोल माई टीयर्स, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अभी जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं इसकी हिस्ट्री आप मुझे बताएं कि ये भी जानों का नजराना देख के इस ब्रिज को तबाह किया गया था ताकि दुश्मन की जो फौज है वो लाहौर तक ना पहुंच सके। ऐसे ही है मदीहा, एक से बढ़कर एक वाकयात हैं। लेफ्टिनेंट मोईद 22 साल की उम्र में शहादत पाते हैं, अभी पीएम में लॉन्ग कोर्स पास करके ही निकलते हैं तो शहीद हो जाते हैं। मेजर अली हैं, इनकी भी शहादत ऐसे ही होती है, मेजर सज्जाद की बात हो रही थी, ये सारी फैमिलीज़ ऐसे ही हैं, बड़े पुख्ते इरादे हैं इनके, और ये इनका आज़म आज भी वही है कि
آج بھی ہم اور مزید شہادتیں دینے کو تیار ہیں. تو یہ وہ ہمارے وطن کے سپوتوں کے خاندان ہیں جن کے عزم آج بھی بلند ہیں. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا بھارتی ماں کا, تو وہ چیخ رہی تھی, پکار رہی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے, میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کی مائیں نہ چیختی ہیں, نہ للکارتی ہیں, نہ پکارتی ہیں, نہ روتی ہیں, بلکہ شکر ادا کرتی ہیں اس اللہ رب العزت کا کہ جس نے ان جوانوں کو شہادت کے رتبے سے سرشار کیا ہے. میجر ریٹائر ظفر رضوی صاحب, مطلب آپ کے سامنے تو سوال میں پوچھنے کی اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں. سر, آپ اس جنگ میں موجود تھے؟ بالکل, میں اس جنگ میں موجود تھا. میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. 4 ستمبر کو, 2 دن پہلے, مجاہد کمپنی کا میں کمپنی کمانڈر تھا. ہمیں کال کر لیا گیا تھا. ایکچولی انٹرنیشنل لیول پر ہمیں کبھی بھی 47 سے تسلیم نہیں کیا گیا. انڈکلیئرڈ وار تھی, لیکن ہماری فورسز چوکنا تھی اور ڈپلائمنٹ شروع ہوئی تھی, کیونکہ انڈیا کی ڈپلائمنٹ بھی ہو رہی تھی, اس کے پیرلل ہو رہی تھی. ابھی اس ڈویژن نے 5 اور 6 کی رات کو موو ہونا تھا, موو ہو چکا ہے. یہ رائٹ فرام سائفن ٹو بیدیا تک اس نے 10 ڈویژن نے جانا تھا. یہ فوڈ کالم میں ہے اور وار ڈکلیئر ہو چکی تھی. پوری دنیا کو معلوم تھا, نہ صرف اس جگہ, جو یہاں پہ جو ہو رہا تھا بھارت نے اعلان کیا. نہ, انہوں نے اشورنس دلائی ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرنے دیں گے, لیکن ان کی ڈپلائمنٹ کی وجہ سے ہماری فورسز ڈپلائڈ ہو رہی تھیں. اور ایون مجاہد فورس جو اس وقت انیشیل اسٹیج پر تھا, انفینسی اسٹیج پر تھی, اس وقت میں تو ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ کے لوگ یہاں پہ شہید ہوئے تھے, جو یہاں پہ آپ نے خون دیکھا. وہاں بتاتا ہوں نا, ابھی آگے بتا. آج ہم میجر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ دراصل ہوا کیا تھا. آپ لوگوں کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, محبت, پیار, عقیدت دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ بتانے لگے ہمیں. اچھا, 3 بلوچ ریجیمنٹس کا واگھا کا ڈیفینس اس برج پر تھا. سب سے امپورٹنٹ وینیو یہی تھا, اور دشمن کو اپنی فتح پر اتنا ناز تھا کہ انہوں نے, بی بی سی نے اور انڈیا نے یہ خبر نشر کر دی تھی کہ انڈین آرمی لاہور جم خانے میں چائے پی رہی ہے, پی سکتی تھی, لیکن ان شیر دل جوانوں نے, جس میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ برج تھا. یہ 3 بڑے وینیو تھے, 4th ریلوے ٹریک تھا جو جلو سے آ رہا تھا. تو تمام بھی برجز جتنے بھی تھے, یہ سائفن سے لے کر بیدیا تک, وہ چھوٹے لکڑی کے پل تھے, وہ سارے توڑ دیے گئے تھے. لیکن یہ برج جو اس وقت موجودہ برج جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں, یہ اس وقت کا برج ہے, یہ ٹوٹ نہیں سکا تھا. یعنی مارننگ میں ہماری فورسز یا انجینئر سے, کیونکہ دشمن یہاں پہنچ چکا تھا, وہ اتنا حاوی ہو چکا تھا, دشمن توڑنے بھی نہیں دینا چاہتا تھا اس برج. وہی میں بات کر رہا ہوں, دشمن یہاں پہنچ چکا تھا, تو گزر کے جانا تھا, یہیں سے گزر کے جانا تھا. یہ پھر 6 اور 7 کی انجینئرس نے پھر اس کو کمپلیٹ تباہ کیا تھا, اور یہیں سے ہی وہ لاہور جم خانے میں چائے پینے کا خواب دیکھ رہے تھے, جو اس پلٹن نے نیست و نابود کر دیا. تمام کر دیا. کیا باتیں ہیں, کیا بڑی باتیں ہیں. ہمارا منہ تو بہت چھوٹا ہے ان باتوں کو دہرانے کے لیے بھی. سیریسلی اس وقت جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں, اس کی اہمیت سب سے بڑا یہ ہے, یہ تھوڑی ہسٹری بھی لکھی گئی ہے کہ انڈیا نے جب وہ فورسز کے, کیونکہ ہماری فورسز ابھی یہاں پہنچی نہیں تھی, تو جب وہ انہوں نے ہماری سویلین آبادی کو, آئی واز آئی وٹنس کو, میں 2 دن پہلے یہاں ڈپیوٹڈ تھا, یعنی 4 ستمبر کو, تو ہماری آبادی کو, سویلین آبادی کو آگے لگایا ہوا تھا, اس کے آڑ میں چل رہے تھے, ہم کو فائر بھی نہیں کر سکتے تھے. اچھا, اب کیسا لگتا ہے, اب اتنی زیادہ عزت, آپ لوگ اس سے خوش ہے کہ یہ کم ہے, ہم اس قابل ہیں کہ جتنی عزت دینی چاہیے, ڈیزرو کرتی ہے آپ کی فیملی اور وہ جو شہید ہو گئے, ہم اس قابل ہیں, وہ دے رہے ہیں ہم آپ کو؟ اس کا جواب میں بالکل مختصر سا دینا چاہوں گا کہ میرے فادر اکثر مختلف ٹی وی چینلز پہ اس بات کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ پہلے میرا بیٹا میرے نام سے پہچانا جاتا تھا, اب ہم اپنے بھائی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو اس بات کا اندازہ حق ادا کر رہے ہیں ہم. بے شک حق ادا کر رہے ہیں, لیکن کم ہے, جتنا کریں اتنا کم ہے. یہ جو بات آپ نے کی کہ یہ کم ہے, یہ حق ادا کرنا ہی ہوتا, بہت خوبصورت بات ہے. ناظرین چلیے آئیے, کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے تو فوجیوں کا لہو گرمانے کے لیے سول سوسائٹی اور وہ جو ہمارے موسیقار لوگ اور وہ جو دھنے تیار کرتے ہیں, وہ بھی ایک
ऐसे नगमे तैयार करने की जस्तजू में लग जाते हैं जिससे हमारे जवानों का लहू गरमाया जा सके। तो पेंसर की जंग में भी ऐसा हुआ जनाब के मौसीकार भी अपने भाइयों की, फौजी भाइयों की खिदमत में लग गए। उनका लहू गरमाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नगमे जो आज भी याद किए जाते हैं, और जब जब हम यौम दिफा यौम शहदा मनाते हैं तो हम वो नगमे जरूर याद करते हैं। मदीहा, हम नूर जहां का वो नगमा सुनते हैं, पुत्र हटा विच नहीं विकदे, तो ये वही नगमात थे जो रेडियो पाकिस्तान से नशर हुए और इन्हीं नगमात ने जवानों के हौसले बुलंद किए और दुश्मन को पस्पा कर दिया। तो मोदिया सीए, आपका माइक है और आज उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए क्या आप सुना रहे हैं? मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि डिफेंस डे पे सबसे पहले तो हमने एक आइडिया था हमारे प्रीस्ट एंड चर्च के फादर मोरस जलाल, तो उन्होंने सब जितने क्रिश्चियन सिंगर्स लाहौर बेस्ड थे उनको इकट्ठा किया और एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करें। तो हमेशा ही क्रिश्चियन कम्यूनिटी जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है पाकिस्तान की खिदमत में, जिसमें ग्रुप कैप्टन चौधरी सिसल जो है वो सरे फरिस्त हैं सितारे जुरत। तो हमने मैडम जी का ही सॉन्ग था ऐ वतन के सजीले जवानों, जिसको डायरेक्ट फैसल भाई ने किया है, मैंने म्यूज़िक बनाया है और प्रोड्यूस जो है हमारे कैथलिक चर्च फादर मोरिस जलाल ने किया है। हो जाए फिर आएंगे प्लीज। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे भी हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, सर फरोशी है ये माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सर फरोशी है ये माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजात के जिंदा निशानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर साथ जाएगी परवाज मेरी, चांद तारों के ऐ राजदानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए, नगमे तुम्हारे लिए, ऐ वतन के सजीले जवान, ऐ वतन के सजीले जवान, ऐ वतन के सजीले जवानो। थर्ड बटालियन की इस यादगार शोधा पर हमने देखा कि बच्चों का एक झुरमुट था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा है, स्कूल के बच्चे हैं यूनिफॉर्म में हैं और ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पर टैंक्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, F-16 भी नज़र आ रहे हैं। इन बच्चों का क्या जज्बा था जो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर यादगार शोधा पर लेकर आए और किस तरह से इन्होंने ये बनाया है प्रोजेक्ट, ये इनसे जानते हैं। आप मुझे बताओ, आप लीड कर रहे हो इस प्रोजेक्ट को, क्यों बनाया इसे? हम पाकिस्तान को याद करने के लिए। तो ये जो ये वाले टैंक्स किसके हैं, ये टैंक्स किसके हैं? ये इंडिया और ये पाकिस्तान के। टैंक क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इंडिया वालों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी मार रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो
क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। क्या किया था इन दुश्मनों ने 65 की जंग में, क्या किया था? हमारे पाकिस्तानियों को मार दिया था। आप एक अंधेरी रात को जो पैम लगी है तो हमारे जवान फौजियों ने तो जवाब दिया। ये आपकी कोई असाइनमेंट है योम दिफा के हवाले से या फिर अपनी खुशी से बनाया इसे? अपनी खुशी से बनाया, टीचर ने असाइन नहीं किया। तब टीचर ने तो यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया है। लोग पसंद कर रहे हैं आपका काम? यस। चलिए, बच्चे हैं और सरफराज हैं, लोग इनका काम पसंद कर रहे हैं और उसको पता है कि दुश्मन ने रात को छुप के हमला किया था 65 की जंग में। और ये देखें कितनी अच्छी बात है कि ये जो इंडियन साइड बनाई है वो इंडियन कलर में है और जो पाकिस्तानी साइड बनाई है वो पाकिस्तानी कलर में है। ये वो बच्चे हैं कि जिनके लहू में जज्बा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जवानों का क्या है कि आज के जवान जो हैं वो भी बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। ये बच्चे देखें, ये आज यूनिफॉर्म पहन कर ये शहदा पे आए हैं, यादगार शहदा में। आप देख रही हैं इतनी गर्मी है, इतनी हब्स है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चों में जज्बा है मुल्क का, मोहब्बत का, अपनी फौज के साथ मोहब्बत का। और इनको तारीख बताई गई है, जो जिस भी टीचर ने इनको असाइन किया है उससे तारीख बताई है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उस्ताजा की जानिब से तारीख बताई जाती है कि ये हमारी तारीख है, ये हमारा नौजवान नस्ल है जो अपनी तारीख को याद रखेंगे तो तारीख इनको याद रखेगी। मोदीस और फैसल अब क्या सुनाएंगे हमें, हम किस तरह से खराज अकीदत दोबारा से पेश करें अपने शहरा? एक सॉन्ग है मेरे वतन ये कीर्तें, तो उसका अंतरा एक जो है वो हम सुना दें। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। खेजां से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन इस वतन की मिट्टी में खून है पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का। नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। Allah